हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने नभी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपाना रखिएगा। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जी इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। शिव जी दो घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे, फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे, जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और संत पुरुषों की समाज ही सब देवताओं के लोक है, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। हे राम कथा कलयुग रूपी वृक्षों को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं।
जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर, जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है, तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें? जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन घड़त बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। जिन्हें वायु का रोग, सनिपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलग, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है, वही सगुण कैसे है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम भ्रमरूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षडैश्वर्य युक्त भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो, भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहमता और अभिमान से ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव, माया और जगत सब के स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुए और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता।
इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जीभ के ही सारे छह रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती।